उत्पत्ति अध्याय 36, उत्पत्ति अध्याय 36, ऐसा जो एदोम भी कहलाता है उसकी यह वंशावली है। एसाव ने तो कनानी लड़कियां ब्याह ली, अर्थात हित्ती एलोन की बेटी आदा को और ओहोलीबाम को जो अना की बेटी और हिव्वी सिबोन की नतीनी थी। फिर उसने इश्माएल की बेटी बासमत को भी जो नवायोत की बहन थी ब्याह लिया। आदा ने तो एसाव के जन्माए एलिपज को और बासमत ने रुएल को उत्पन्न किया और ओहोलीबाम ने यूश और यालाम और कोरह को उत्पन्न किया। एसाव के यही पुत्र कनान देश में उत्पन्न हुए और एसाव अपनी पत्नियों और बेटे बेटियों और घर के सब प्राणियों और सब भेड़ बकरी और गाय बैल आदि सब पशुओं निदान अपनी सारी संपत्ति को जो उसने कनान देश में संचय की थी लेकर अपने भाई याकूब के पास से दूसरे देश को चला गया, क्योंकि उनकी संपत्ति इतनी हो गई थी कि वे इकट्ठे न रह सके और पशुओं की बहुतायत के मारे उस देश में जहां वे परदेशी होकर रहते थे उनकी समाई न रही। एसाव जो एदोम भी कहलाता है सो सेईर नाम पहाड़ी देश में रहने लगा। सेईर नाम पहाड़ी देश में रहने वाले एदोमियों के मूल पुरुष एसाव की वंशावली यह है। एसाव के पुत्रों के नाम ये है, अर्थात एसाव की पत्नी आदा का पुत्र एलिपज और उसी एसाव की पत्नी बासमत का पुत्र रुएल, और एलिपज के ये पुत्र हुए अर्थात तेमान, ओमार, सपो, गाताम और कनज। और एसाव के पुत्र एलिपज के तिम्ना नाम एक सुरैतीन थी जिसने एलिपज के जन्माए अमालेक को जन्म दिया। एसाव की पत्नी आदा के वंश में यही हुए और रुएल के ये पुत्र हुए अर्थात नहत, जेरह, शम्मा और मिज्जा। एसाव की पत्नी बासमत के वंश में यही हुए और ओहोलीबाम जो एसाव की पत्नी और सिबोन की नतीनी और अना की बेटी थी उसके ये पुत्र हुए अर्थात उसके एसाव के जन्माए यूश, यालाम और कोरह को जन्म दिया। एसाव वंशियों के अधिपति ये हुए अर्थात एसाव के जेठे एलिपज के वंश में से तो तेमान अधिपति, ओमार अधिपति, सपो अधिपति, कनाज अधिपति, कोरह अधिपति, गाताम अधिपति, अमालेक अधिपति। एलिपज वंशियों में से एदोम देश में ये ही अधिपति हुए और ये ही आदा के वंश में हुए। और एसाव के पुत्र रुएल के वंश में ये हुए अर्थात नहत अधिपति, जेरह अधिपति, शम्मा अधिपति, मिज्जा अधिपति। रुएल वंशियों में से एदोम देश में ये ही अधिपति हुए और ये ही एसाव की पत्नी बासमत के वंश में हुए। और एसाव की पत्नी ओहोली बीमा के वंश में ये हुए अर्थात यूश अधिपति, यालाम अधिपति, कोरह अधिपति। अना की बेटी ओहोली बामा जो एसाव की पत्नी थी उसके वंश में यही हुए। एसाव जो एदोम भी कहलाता है उसके वंश यही है और उनके अधिपति भी यही हुए। सेर जो हुरी नाम जाति का था उसके ये पुत्र उस देश में पहले से रहते थे अर्थात लोतान, शोबाल, शिबोन, अना, दिशोन, एसेर और दिशान। एदोम देश में सेर के ये ही होरी जाति वाले अधिपति हुए और लोतान के पुत्र होरी और हेमाम हुए और लोतान की बहन तिम्ना थी। और शोबाल के ये पुत्र हुए अर्थात आलवान, मानहत, एबाल, शपो और ओनाम। और सिदोन के ये पुत्र हुए अर्थात अय्या और अना। यह वही अना है जिसको जंगल में अपने पिता सिबोन के गधों को चराते चराते गर्म पानी के झरने मिले थे। और अना के दिशोन नाम पुत्र हुआ
और उसी अना के ओहोलीबामा नाम बेटी हुए और दिशोन के ये पुत्र हुए अर्थात हेमदान, एशपान, इत्रान और करान। एसेर के ये पुत्र हुए अर्थात बिल्हान, जावान और अकान। दिशान के ये पुत्र हुए अर्थात ऊस और अरान। होरियों के अधिपति ये हुए अर्थात लोतान अधिपति, शोबाल अधिपति, शिबोन अधिपति, अना अधिपति, दिशोन अधिपति, एसेर अधिपति, दिशान अधिपति। सेर देश में होरी जाति वाले ये ही अधिपति हुए। फिर जब इसराइलियों पर किसी राजा ने राज्य न किया था तब भी एदोम के देश में ये राजा हुए अर्थात बोर के पुत्र बेला ने एदोम में राज्य किया और उसकी राजधानी का नाम दिन्हाबा है। बेला के मरने पर बोस्त्रा निवासी जेरह का पुत्र योबाब उसके स्थान पर राजा हुआ और योबाब के मरने पर तेमानियों के देश का निवासी हुशाम उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर हुशाम के मरने पर बदद का पुत्र हदद उसके स्थान पर राजा हुआ। यह वही है जिसने मिद्यानियों को मोआब के देश में मार लिया और उसकी राजधानी का नाम अबीत है। और हदद के मरने पर मस्त्रे का वासी सल्ला उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर सल्ला के मरने पर शाऊल जो महानद के तट वाले रहोबोत नगर का था सो उसके स्थान पर राजा हुआ। और शाऊल के मरने पर अकबोर का पुत्र बाल्हानान उसके स्थान पर राजा हुआ। और अकबोर के पुत्र बाल्हानान के मरने पर हदर उसके स्थान पर राजा हुआ और उसकी राजधानी का नाम पाऊ है और उसकी पत्नी का नाम महेतबेल है जो मेजाहब की नतीनी और मदरेत की बेटी थी। फिर एसाव वंशियों के अधिपतियों के कुलों और स्थानों के अनुसार उनके नाम ये है अर्थात तिम्ना अधिपति, अल्बा अधिपति, यतेत अधिपति, अहोलीबामा अधिपति, एला अधिपति, पिनोन अधिपति, कनज अधिपति, तेमान अधिपति, मिबसार अधिपति, मग्दियल अधिपति, इराम अधिपति। एदोम वंशियों ने जो देश अपना कर लिया था उसके निवास स्थानों में उनमें से यही अधिपति हुए और एदोम जाति का मूल पुरुष एसाव है।